हेलो अभिवान, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास के अंदर। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सैलरी का सेकंड लेक्चर। तो बच्चों, आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को जो करवाया था, क्या क्या करवाया था। एक तो हम लोगों ने चर्चा करी थी कि एक होता है बेसिक पे, एक हमने डिस्कस किया था डियरनेस अलाउंस के बारे में, हाँ या ना। एक हमने डिस्कस किया था कमीशन के बारे में, और एक डिस्कस किया था हम लोगों ने बोनस के बारे में। और इन चारों के बारे में मैंने एक बात जरूर बताई थी कि ये चारों क्या होते हैं, फुली टैक्सेबल। क्या होते हैं चारों? फुली टैक्सेबल, हाँ या ना दोस्तों। ये चारों फुली टैक्सेबल हैं, इस पे कोई भी तरह की पर्टिकुलर एग्जेम्पशन नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ आज हम लोग इन चार टॉपिक्स के बाद, मैं एक बारी बता दूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। बेसिक पे, फिक्स पेमेंट, फुली टैक्सेबल पढ़ा था। डीए भी हम लोगों ने दो तरह के पढ़े थे, फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग, और वो भी फुली टैक्सेबल होते हैं। कमीशन के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं, एक परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और एक फिक्स कमीशन, और दोनों ये भी फुली टैक्सेबल होते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने एक बोनस पढ़ा था जिसमें ये पढ़ा था कि टैक्सेबल तो होता है, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, बट इसके अंदर ये बात भी पढ़ी थी कि स्पेशल पॉइंट बोनस के बारे में ये है कि जब मिलेगा तब ये टैक्सेबल होगा, है कि नहीं। आ जाओ बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट अलाउंस पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम रहेगा हाउस रेंट अलाउंस। House rent allowance, section 10, clause 13A, section 10, clause 13A. Now, section 10, clause 13A में HRA क्या कहता है? कहता है ये एक fixed payment है जो company अपने employee को देती है for the purpose of meeting expenditure related to house rent. So, write down. It is a fixed payment given by employer to employee for meeting House rent expenditure. So, ये एक वो फिक्स पेमेंट है जो employer employee को देता है house rent के खर्चों को मिलने के लिए, मीट आउट करने के लिए। मतलब कंपनी अपने employee के ऊपर ये कहता है कि भैया देखो, आप इतना खर्चा कर रहे हो house rent के लिए भी, तो मैं आपके house rent के लिए कुछ contribute कर देता हूं, ठीक है। तो कंपनी अपनी तरफ से जो employee को house rent के खर्चों के लिए पैसा देती है उसको HRA बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे तो रहा है, बट क्या फुली टैक्सेबल होता है? नहीं। अगर आप समझ जाना बच्चों, जब भी मैं कभी सेक्शन 10 का नाम लू ना, ये देखो ये सेक्शन 10 आना बीच में, जब भी सेक्शन 10 का नाम आ जाए ना, तो आप समझ जाना सेक्शन 10 का मतलब है कुछ ना कुछ क्या होंगी, एग्जेम्पशन होंगी, क्योंकि सेक्शन 10 के अंदर एग्जेम्पशन की लिस्ट बनाई जाती है बच्चों। और सेक्शन 10 के अंदर एग्जेम्पशन की लिस्ट के अंदर यह भी है HRA, इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट एग्जेम जरूर होगा, ठीक है। सो राइट डाउन एवरीवन, tax treatment of HRA. तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि HRA का tax treatment क्या होगा। So write down everyone. Minimum of following three limits is exempt. तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने ना तीन लिमिट्स बनाई और कहा जो इन तीन लिमिट्स में से सबसे कम अमाउंट होगा ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है।
जो तीन लिमिट्स में से सबसे कम अमाउंट हो जाएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहली लिमिट, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। सेकेंड लिमिट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी पे लगाते हैं एक छोटा सा स्टार। और थर्ड, 50% ऑफ सैलरी इफ ही और शी रिजाइड्स इन मेट्रो सिटीज, या फिर 40% ऑफ सैलरी इफ ही और शी रिजाइड्स इन नॉन मेट्रो सिटीज। बच्चों तीन लिमिट्स होंगी, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एचआरए कितना मिल रहा है, मान लो 1,00,000 रुपए का एचआरए मिल रहा है साल भर में, आपको इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट चेक करना है क्या आ रहा है, वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सर ये पहली लिमिट एक्चुअल एचआरए क्यों लिखी, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहना चाहता है कि अगर अमाउंट मान लो ये 3,00,000 रुपए आ गए, मतलब मैंने बोला एचआरए कितना मिला है 1,00,000, ठीक है, ये आ गया 2,00,000 मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, और ये आ गया मान लो 3,00,000, ये जो थर्ड लिमिट है कैलकुलेट किया है 3,00,000 आ रहा है और वो 2,00,000 आ रहा है और पहली लिमिट 1,00,000 आ रही है, कहा मिनिमम ऑफ फॉलोइंग थ्री ना, इसका मतलब है सबसे मिनिमम क्या है 1,00,000। तो भैया जितना एचआरए मिला है ज्यादा से ज्यादा एग्जेम्पशन आपको एचआरए रिसीव की ही मिल सकती है। तो अगर एचआरए मिला ही 1,00,000 है तो एग्जेम्प्ट भी 1,00,000 होगा, हाँ या ना, इसका मतलब है टैक्सेबल हो जाएगा 0। तो ये बात देखनी जरूरी है कि मिनिमम क्या आएगा, इसीलिए पहली लिमिट एक्चुअल एचआरए लिखी जा रही है, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जेम्पशन हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि जितना मिला उससे ज्यादा एग्जेम्पशन कैसे दे सकते हैं, गवर्नमेंट से पैसा थोड़ा लेना है, क्या मेरी बात समझे, जितनी इनकम आई है उसी में से एग्जेम्पशन मिलनी है। अच्छा, नेक्स्ट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। नाउ गवर्नमेंट को नजर आता है कि भैया अगर आप रेंट दे रहे हो और वो जो रेंट दे रहे हो वो सैलरी के 10% से ज्यादा दे रहे हो, सैलरी के 10% से भी ज्यादा दे रहे हो, मतलब गवर्नमेंट को नजर आता है कि यार कोई इंसान सैलरी के 10% से भी ज्यादा रेंट देता है तो उस पर हमें तरस आता है, हम उसको क्या देंगे, कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन देंगे। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एक लिमिट बन जाती है, कि अगर रेंट 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा है तो एक सेकेंड लिमिट बन जाएगी, जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, कहां रहते हो, मेट्रो सिटी में। अब मेट्रो सिटी क्या है बच्चों, मैं वैसे लिखवाऊंगा अभी, बट मेट्रो सिटी वैसे क्या है आपको पता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये चार जो मेट्रो सिटीज हैं, इन मेट्रो सिटीज में किराया क्या होगा, खर्चा ज्यादा ही होगा, प्रॉपर्टी के रेट ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली सैलरी की जो एग्जेम्पशन लिमिट बनाई गई वो भी ज्यादा से ज्यादा कितनी बनाई गई, 50% ऑफ द सैलरी। क्या बनाया गया, 50% ऑफ द सैलरी। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन हम कितनी दे सकते हैं, 50% ऑफ सैलरी। क्या मेरी बात समझे एवरीवन, भाई हमारी थर्ड लिमिट कहती है ये एग्जेम्पशन है, इससे ज्यादा हम आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो 50%, और अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हो, नॉन मेट्रो मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अलावा जो एरियाज होंगे तो वहां पर लिमिट रहेगी 40% ऑफ द सैलरी। तो इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आपको ये लॉजिक तो समझ में आता होगा कि मेट्रो सिटी है तो 50% किया, नॉन मेट्रो है तो 40% किया, क्या ये बात समझ में आई, ये परसेंटेज 50 ही क्यों किया, 40 ही क्यों किया, इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट यस ये जरूर समझ में आता है कि कंपैरिजन कर रहा जब तो चेक किया कि सैलरी के 50% और सैलरी का 40%, ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो मेट्रो सिटी है तो ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा होगा और एग्जेम्पशन इसलिए ज्यादा चाहिए होगी। 40% ऑफ सैलरी में क्यों किया, क्योंकि नॉन मेट्रो सिटी है, खर्चा कम होगा तो एग्जेम्पशन भी कम ही चाहिए होगी, इसी रीजन से इस तरीके से रूल्स बनाए गए थे। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सर ये सैलरी क्या चीज है, सो राइट डाउन, सैलरी इंक्लूड्स बेसिक पे, बच्चों बेसिक पे डीए का फॉर्मिंग पार्ट। अब आपको कुछ याद आ रहा है बच्चों, डीए के बारे में मैंने बताया था
कि डीए दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मिंग पार्ट और एक होता है डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट। कुछ याद आ रहा है एवरीवन? तो ये जो डीए का फॉर्मिंग पार्ट है वो यहां पे ऐड हो जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जो फॉर्म हुआ, प्लस अगर कमीशन दी हुई है कौन सी वाली, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाली, तो ये अमाउंट भी इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारी आ जाएगी सैलरी। सर ये क्या सैलरी है, आप तो सैलरी कुछ और लिखवा रहे थे। हाँ बेटा, वो जो सैलरी मैंने लिखवाई थी ना उसको बोलेंगे पापा सैलरी। क्या बोलेंगे? पापा सैलरी। हमें पापा सैलरी नहीं निकालनी है, हमें बेबी सैलरी निकालना है, ठीक है। इसको मैंने अपनी भाषा में बेबी सैलरी नाम दिया है क्योंकि छोटा सा है ना, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, इसको बोले बेबी। क्या बोलेंगे? बेबी। तो ये बेबी सैलरी है, बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। जब मैं सैलरी का फॉर्मेट निकालता हूं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा, जरा एक बारी पेज पुलट के देखो एक बारी, जो मैंने फॉर्मेट लिखवाया था। देखो बेसिक पे डीए का फॉर्मिंग पार्ट लिखा था क्या? नहीं। इसका मतलब है डीए फॉर्मिंग हो या नॉट फॉर्मिंग हो, फुली टैक्सेबल होता है। कमीशन क्या मैंने लिखा था? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर सिर्फ? नहीं, दोनों लिखे थे, उसका मतलब है फुली टैक्सेबल होता है। बोनस ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई वैरायटी में मैंने ऐसा नहीं लिखा पर्टिकुलरली कि इसके अंदर ये वाला पार्ट ना। सैलरी वो पापा सैलरी है, बच्चे दोनों ही अच्छे हैं, चाहे एक बुरे काम करता है एक अच्छे काम करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप के लिए माँ बाप के लिए वो सेम ही है कि नहीं। तो ऐसे केस में सैलरी की जब डेफिनेशन दी गई, जब हमें ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करनी होगी ना दोस्तों, तो उस वक्त हमें वही पापा सैलरी वाला फॉर्मेट निकालना होगा। बट आप वहीं पर चेक करोगे, आप अगर वहीं पर चेक करोगे तो आपको दिखेगा दोस्तों कि मैं आपको दिखाई देता हूं, वहां दिखेगा क्या, वहां आपको दिखेगा कि ये जो सैलरी है इसके अंदर एचआरए भी आ रहा होगा। ये देखो दिया है एचआरए। बच्चों ये एचआरए जो है, ये वाला अमाउंट एचआरए का क्या है? ये है टैक्सेबल एचआरए। इसका मतलब है जितनी एचआरए रिसीव हुई होगी उसमें से कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट हुआ होगा। एग्जेम्प्ट कैसे निकालना है, वही वो तीन लिमिट्स जो मैं भी आपको दिखा रहा था, वो एग्जेम्प्शन माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट आएंगे ये टैक्सेबल टैक्सेबल अमाउंट आएंगे। जितने भी ये नीचे दिए हुए हैं ना, ये वाले सारे, ये सब टैक्सेबल टैक्सेबल है। सर ऊपर वाला, बेटे वो तो फुली टैक्सेबल है ही है, उसमें तो कोई एग्जेम्पशन ही नहीं है, बट इन पे तो हमें कुछ वर्किंग निकाल के पहले एग्जेम्पशन फाइंड आउट करनी होगी, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? सो मेरे को ये सैलरी चाहिए, बेबी सैलरी, उस सैलरी का ही मुझे यहां पर 10% करना है, यहां पर 50% करना है, और अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो 40% करना है। क्या मेरी बात समझे? ये हो गई एग्जेम्पशन लिमिट के लिए कि मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी। नेक्स्ट नोट लिखना, एक नोट नंबर वन, मेट्रो सिटीज इंक्लूड्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, इफ आंसर ऑफ सेकेंड लिमिट कम्स टू बी नेगेटिव, अगर सेकेंड लिमिट का आंसर नेगेटिव आता है, देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज निल। बच्चों अगर सेकेंड लिमिट का आंसर नेगेटिव आता है, अगर यह अमाउंट नेगेटिव आता है, कैसे आ सकता है? सर रेंट पेड कम है, 10% ऑफ सैलरी ज्यादा आ रही है, तो गवर्नमेंट कहता है हम इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे, नेगेटिव कोई लिमिट नहीं होती है, तो हम इसको जीरो मानेंगे, जीरो। और अगर ये जीरो हो गया ना, सेकंड लिमिट जीरो हो गई ना, तो भैया विच एवर इज लेस जीरो, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीरो, टैक्सेबल हो जाएगा सारा का सारा अमाउंट। बोलो हाँ या ना। मेरे कहने का मतलब है अगर ये नेगेटिव आ गया आंसर, ये वाला अमाउंट नेगेटिव आ गया, या फिर इसको मैं कह लूं जीरो कर दिया क्योंकि नेगेटिव है तो जीरो ही करना पड़ेगा फाइनली, तो जो एचआरए रिसीव हुआ था उसमें से एग्जेम्प्ट कितना करोगे? जीरो, क्योंकि विच एवर इज लेस तो एग्जेम्प्ट जीरो ही आएगा, विच एवर इज लेस इज जीरो। तो एक्चुअल एचआरए में से विच एवर इज लेस एग्जेम्प्ट वाला अमाउंट हटा देंगे, जो बच गया वो टैक्सेबल कर देंगे, तो एग्जेम्प्ट कर देंगे जीरो और टैक्सेबल हो जाएगा सारा का सारा अमाउंट।
क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों? नोट नंबर 3, इफ इन क्वेश्चन पेरेंट और एडवांस सैलरी इज गिवन, देन इट शुड बी कंप्लीटली इग्नोर्ड वाइल कंप्यूटिंग एग्जेम्पशन. बच्चों जिस वक्त हम एग्जेम्पशन फाइंड आउट कर रहे होंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर फेयर रेंट और एडवांस सैलरी दिया जाए तो आपको उसको इग्नोर करना है. सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्यों करना है हमें? बेटा देखो ऐसा है, फेयर रेंट का मतलब होता है आसपास का रेंट. जब क्वेश्चन में रेंट पेड दिया होना चाहिए तो फेयर रेंट का क्या मतलब? आसपास का रेंट का मैं क्या करूं ना, आसपास के रेंट का कोई लॉजिक नहीं है. तो क्वेश्चन फेयर रेंट देगा तो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, कुछ नहीं करना. एडवांस सैलरी अगर क्वेश्चन में लिखा हो, क्या लिखा हो? एडवांस सैलरी मतलब आपको सैलरी एडवांस में मिली है, ठीक है. तो आप लोग तो पढ़ा था सर सैलरी फ्लेक्सिबल आइदर ऑन ड्यू और व्हिचएवर इज अर्लियर. हाँ बेटा हाँ बिल्कुल पढ़ा था, बट वो बेटा पापा सैलरी का फॉर्मेट में तो वो चीज करेंगे हम लोग, बट यहां पर एक पर्टिकुलर एग्जेम्पशन फाइंड आउट कर रहे हैं. एग्जेम्पशन फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, समझ में आई बात? तो एग्जेम्पशन फाइंड आउट करने वाले के लिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है. एज इट इज जितनी हमारी सैलरी है वो ही कंसिडर करेंगे, एडवांस सैलरी को कंसिडर नहीं करेंगे. क्या ये बात समझ में आती है? तो ये हो गया हमारा नोट नंबर 3. बस तो मेरे ख्याल से काफी है, मैं आपको अब क्वेश्चन पे लेके जा सकता हूं. आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 4. मिस्टर अजय इज एंटाइटल्ड टू अ बेसिक सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ एंड डीए ऑफ 1000 पर मंथ, 40% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स. अच्छा इसके अंदर एक नोट और डाल ही सकते हो वैसे, कि भाई अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सिटी देन वी कैन अज्यूम मेट्रो सिटी एंड कैन पुट अ नोट एज्यूमिंग दिस. जो आपने ये एज्यूम किया है ना, क्या मान लिया आपने? मेट्रो सिटी. अगर आप मेट्रो सिटी अज्यूम करके आप अपने क्वेश्चन करोगे ना सॉल्व, तो गवर्नमेंट ने क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप एक नोट डाल दो. क्या डाल दो? नोट डाल दो नीचे कि आपने मेट्रो सिटी अज्यूम किया है. वी कैन अज्यूम मेट्रो सिटी एंड कैन पुट अ नोट अज्यूमिंग दिस. तो मतलब हम अज्यूम करके उसके बाद नीचे नोट डाल देंगे. क्या ये बात समझ में आई? चलो ये बात भी जरूरी थी क्वेश्चन करने से पहले, आ जाओ. So Mr. Ajay is entitled to a basic salary of 5000 per month. DA दिया है 1000 per month. 40% of which forms part of retirement benefits. ठीक है. He is also entitled to HRA of 2000 per month. He actually pays 2000 per month as rent for a house in Delhi. सारी figures आपको दी हुई हैं बच्चों. ये तीन limits के ऊपर apply करना है आपको बस. ये जो तीन limits बताई गई थी इस पर apply करनी है बस. So करें start. Question number है ये 4. So computation of taxable HRA of Mr. Ajay. आपको HRA taxable निकालना है Mr. Ajay के लिए, ठीक है. और मेरे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है दोस्तों? HRA received दिया हुआ है. HRA received दिया हुआ है. HRA कितना मिला है? HRA कितना मिला है बच्चों?
आपको एचआर मिला है 2000 रुपए महीना। सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना एचआर आया? 24000 रुपए। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। माइनस करेंगे इसमें से कितना आपको एग्जेम्प्ट हुआ अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A। क्या मेरी बात समझे? एचआर में से कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो गया वो हमें फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हम बनाएंगे बच्चों वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। एचआरए एग्जेम्पशन फाइंड आउट करनी है। ये माइनस करने के बाद आएगा हमारा टैक्सेबल एचआरए। ठीक है, तो वर्किंग नोट हमें वर्किंग नोट से सॉल्व करना होगा। तो वर्किंग नोट बनाएंगे दोस्तों एग्जेम्पशन का। मिनिमम ऑफ फॉलोइंग थ्री लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट। पहली लिमिट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। मुझे बता दो एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना है। एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना है? 2000 रुपए महीना। सो 2000 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? 24000 रुपए। नंबर दो, मेरा सेकंड लिमिट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब मुझे रेंट पेड दिया हुआ है बच्चों, रेंट पेड दिया हुआ है कि 2000 रुपए पर मंथ का मैंने रेंट दिया है, तो 24000 रुपए ही हो गया माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये सैलरी क्या है हमें निकालनी होगी। सबसे पहले आएगा बेसिक पे इसके अंदर, जो कि आपको दिया हुआ है 5000 रुपए महीना, तो साल का कितना हो गया 60000। बच्चों हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे एक साल के लिए करेंगे, है कि नहीं। बेसिक पे के अलावा डीए का कौन सा पार्ट दिया हुआ है? फॉर्मिंग। 1000 पर मंथ डीए है, 40% इज फॉर्मिंग। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 400 रुपए फॉर्मिंग है, हाँ या ना? तो 400 × 12 4800। टोटल कितनी सैलरी हो गई? 64800। हाँ या ना? 64800 का 10% हो गया 6480 और ये हो गया मेरा रुपीज 17520। ये हमारी सेकंड लिमिट हो गई। और थर्ड लिमिट क्या होगी भाई? इस सैलरी का आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कहां पे काम कर, कहां पे रहता है। ये दिल्ली में ही रहता होगा। बोलो 50% ऑफ द सैलरी, और सैलरी आपको दी हुई थी 64800, तो ये आ जाएगा मेरा 32400 रुपए। बच्चों इन तीनों लिमिट्स में से सबसे कम अमाउंट किसका है? सो ये अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा और ये अमाउंट हम लोग इसमें से यहां लिख देंगे 17520, जिसमें 24000 में से माइनस करके ये हमारा टैक्सेबल आ गया 6480 रुपीज। क्या ये बात समझ में आती है एवरीवन? हाँ जी, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ जरा। अगर आपको देखो अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप लोग पॉज करो, समझो क्वेश्चन करो, और फिर इसके बाद ये आंसर देखना मेरे वाला जो मैं करके दिखा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्स एक रेजिडेंट है अजमेर का, रिसीव्स 1,92,000 एज बेसिक सैलरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। इन एडिशन ही गेट्स 19,200 एज डीए, 7% कमीशन एज सेल्स ऑन सेल्स मेड बाय हिम, और सेल्स दी है 86,000 और 24,000 एज एचआरए मिल रहा है। ही हाउएवर पेज 21,500 एज रेंट, साल भर में 21,500 का रेंट देता है। Determine the quantum of HRA exempt from tax.
सो आपको एचआर एग्जेम्पशन फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर है 5. सो एवरीवन, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें वही चाहिए होगा जैसा क्वेश्चन ने मांगा. तो क्योंकि क्वेश्चन ने मांगा ही एचआर एग्जेम्पशन है, तो मैं यहां लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ एचआरए एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन, सॉरी, फॉर द असेसमेंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव. ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन को अब करने जा रहा हूँ. मुझे इसमें एग्जेम्पशन ही फाइंड आउट करनी थी. ठीक है, तो मैं एचआरए रिसीव लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखूंगा मिनिमम. मतलब ये वाले तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाले तरीके से. ये तरीका तब आएगा जब क्वेश्चन ने टैक्सेबल एचआरए बोला हो. अभी मेरे को एचआरए एग्जेम्प्ट बोला है, तो मुझे सीधा निकालने के लिए यही बोला है, तो मुझे सीधा सीधा यही करना चाहिए मिनिमम फॉलोइंग थ्री लिमिट वाला. तो इसलिए मैं लिखूंगा मिनिमम ऑफ फॉलोइंग थ्री लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A. पहली लिमिट आपको पता है, मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूं, बट लिखना चाहिए आपको एग्जाम के लिए. पहली लिमिट है एक्चुअल एचआरए रिसीव. मुझे बताओ एचआरए रिसीव कितना हुआ? 24,000 रुपये. तो 24,000 रुपये यहां पे आ जाएंगे. नंबर दो, सेकेंड लिमिट क्या है हमारी? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. रेंट पेड कितना है? 25,500. अब इसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस करनी होगी, बट उसके लिए हमें सैलरी चाहिए होगी, तो सैलरी की वर्किंग हमें साइड में दिखानी होगी. सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक पे आता है बेटा. बेसिक पे कितना दिया है? 192,000. सो 192,000. फिर इसके अलावा क्या आएगा? डीए आएगा. डीए कौन सा वाला? फॉर्मिंग पार्ट. डीए कौन सा आएगा? फॉर्मिंग पार्ट. डीए का फॉर्मिंग पार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 19,200, प्लस आएगा कमीशन, और वो है 7% ऑफ द सेल्स. सेल्स कितनी है? 86,000. उसका 7% कमीशन कितना आएगा? 6,020. 6,020. तो भाई मेरी सैलरी तो आ गई है, बेबी सैलरी 192,000 प्लस 19,200 प्लस 6,020, 217,220. अच्छा, याद रहे ये बेबी सैलरी जो है वो सिर्फ मेरी और आपके बीच में रहनी चाहिए, ये बाहर चर्चा मत कर देना, क्योंकि ये बेबी सैलरी के बारे में कोई नहीं जानता होगा. ठीक है, ये आप और मैं ही जानते होंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो 10% इसका 217,220. बच्चों ये क्या नेगेटिव में नहीं आ गया? और मैंने बोला था जब नेगेटिव में आ जाए तो क्या मानते हैं? निल मानते हैं. थर्ड लिमिट बताओ. थर्ड लिमिट या तो 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी. अब बताओ क्या ये मेट्रो सिटी में है? नहीं है, अजमेर में है. तो अजमेर मतलब नॉन मेट्रो. नॉन मेट्रो है तो 40% कर दूं इसका. सो बता दो 40% ऑफ 217,220 कितना आएगा? 86,888. बताओ सबसे कम अमाउंट क्या आ रहा है? सेकंड वाला निल. तो ये हो गया हमारा एग्जेम्प्ट. तो मतलब बताओ हमें तो टैक्सेबल निकालना ही नहीं था. वैसे अगर टैक्सेबल निकालना होता तो 24,000 रुपये आता, हाँ या ना? ठीक है, तो जितना मिला है उसमें से एग्जेम्प्ट हो गया, जीरो, टैक्सेबल हो गया पूरा का पूरा. क्या ये बात समझ में आती है? तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. अब मैं थोड़ा लेवल कर रहा हूं चेंज, क्योंकि इसके अंदर मुझे एक और चीज बतानी है आपको. सो राइट डाउन एवरीवन, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ फैक्टर. बच्चों ये एचआरए का ही टॉपिक है, ये एचआरए का ही टॉपिक है, चेंज ऑफ फैक्टर. क्या होता है?
कि मान लो अगर बीच में जो हम लोग एचआर एग्जेम्पशन जो भी कैलकुलेट कर रहे थे, एचआर एग्जेम्पशन ही ये बीच में जो लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स में से कोई भी लिमिट ड्यूरिंग द ईयर अगर चेंज हो जाती है, बेसिक पे चेंज हो गया, एचआरए चेंज हो गया, डीए चेंज हो गया, कमीशन चेंज हो गया, हाँ प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज हो गया, कह रहे ऐसा कुछ भी ड्यूरिंग द ईयर चेंज होता है, तो हमें क्या करना है, अपनी एचआरए की एग्जेम्पशन कैलकुलेशन करने के लिए इसके दो हिस्से करने हैं, ठीक है। इट्स एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेशन करने के कितने हिस्से करने हैं, दो हिस्से करने हैं। पहला, जिस पीरियड में कोई चेंज नहीं आया उसकी कैलकुलेशन अलग कर दो, और जिस पीरियड में चेंज आया उसकी कैलकुलेशन क्या कर दो, अलग कर दो। सो राइट डाउन एवरीवन, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स चेंजेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर If any of the following factors changes during the previous year, then the calculation of HRA exemption is to be divided into two parts. First part, period during which there was no change. Second part, period starting from date of change of factor to end of the previous year. मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर ड्यूरिंग 23-24 चल रहा है, अगर मैं ये कहता हूं ड्यूरिंग 23-24 फर्स्ट ऑफ सितंबर को मेरी बेसिक पे चेंज हो गई है, सो मैं क्या करूंगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फर्स्ट सितंबर ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पांच महीने तक मेरी कैलकुलेशन अलग होगी एचआर एग्जेम्पशन की, और बाकी के सात महीने की कैलकुलेशन अलग होगी, बेसिक पे बीच में क्या हो गया, चेंज हो गया। फर्स्ट सितंबर को बेसिक पे चेंज हुआ है, इस रीजन से मेरी कैलकुलेशंस के एचआर एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन के दो हिस्से हो जाएंगे, एक हो जाएगा पांच महीने और एक हो जाएगा सात महीने। क्या यह बात समझ में आती है? अब वो फैक्टर्स कौन से हैं, राइट डाउन, फैक्टर्स आर एज फॉलोज। पहला, रेंट लिख सकते हो आप, दूसरा बेसिक पे, थर्ड डीएनएस अलाउंस, फोर्थ कमीशन, क्योंकि कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर इसी के अंदर आता है सैलरी के डेफिनेशन में, फाइव एचआरए, सिक्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस। बच्चों, इनमें से कुछ भी अगर ड्यूरिंग द ईयर चेंज होता है ना, तो हमें उस पीरियड की कैलकुलेशन अलग करनी है जब चेंज नहीं आया था, और उस पीरियड की कैलकुलेशन अलग करनी है जब से चेंज स्टार्ट हुआ और प्रीवियस ईयर के एंड तक। क्या ये बात समझ में आई एवरीवन? चलो, तो आई होप आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इसी के ऊपर। ये देखो, क्वेश्चन नंबर है सिक्स। मिस्टर सनी इज एम्प्लॉयड एट दिल्ली एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ आर लिमिटेड, द पर्टिकुलर्स ऑफ द सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 आर एज अंडर, ये डिटेल्स दे रखी है। अब अगर देखो, नॉर्मली क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। द एक्चुअल रेंट पेड बाय हिम इज 2000 पर मंथ फॉर एन अकोमोडेशन एट नोएडा टिल दिस डेट। इस डेट तक अकोमोडेशन नोएडा में जो अकोमोडेशन थी उसकी जो रेंट था वो 2000 रुपए महीना था, बट 1 जनवरी 2024 से रेंट वॉज इंक्रीज टू 4000। क्या ये बात समझ में आई? कंप्यूट टैक्सेबल एचआरए। सो राइट डाउन,
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए ऑफ मिस्टर सनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। सो भाई मुझे टैक्सेबल एचआरए निकालना है और मुझे क्वेश्चन के अंदर टैक्सेबल एचआरए निकालने के लिए मुझे सबसे पहले तो एचआरए रिसीव चाहिए, एचआरए रिसीव चाहिए। एचआरए रिसीव कितना दिया हुआ है, एचआरए रिसीव दिया हुआ है 3000 रुपये महीना, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 36000, जिसके अंदर मैं एग्जेम्पशन फाइंड आउट करने वाला हूं अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13 ए। ये एग्जेम्पशन निकालूंगा और ये एग्जेम्पशन निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा क्या, वर्किंग नोट। ये एग्जेम्पशन फाइंड आउट करने के बाद आ जाएगा मेरा टैक्सेबल एचआरए, क्या आ जाएगा, टैक्सेबल एचआरए। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो टैक्सेबल एचआरए निकालेंगे बट उसके लिए आपको वर्किंग नोट तो बनाना ही होगा। सो वर्किंग नोट 1, राइट डाउन मिनिमम ऑफ फॉलोइंग थ्री लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13 ए। अब तीन लिमिट्स हैं, तीनों में से चेक करना होगा सबसे कम क्या होगा। आपको पीरियड वाइज डिवाइड कर देना चाहिए। क्या क्वेश्चन में लिखा है कि 31 दिसंबर तक आपका रेंट अलग है और 1 जनवरी से रेंट चेंज हो गया, तो यस, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक, यानी 9 महीने के लिए आप कैलकुलेशन अलग करोगे, और 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024, यानी 3 महीने के लिए कैलकुलेशन क्या करोगे, अलग। ये दोनों कैलकुलेशंस अलग अलग करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब सबसे पहले तो हमारी होती है लिमिट एक्चुअल एचआरए रिसीव, तो एक्चुअल एचआरए देख लेते हैं कितना है। एक्चुअल एचआरए 3000 रुपए, तो 3000 × 9, और इधर बताओ 3000 × 3, ठीक है, तो ये हमारी पहली लिमिट हो गई। दूसरी लिमिट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे किया, 2000 रुपए महीना, ठीक है, टिल 31 दिसंबर, तो 2000 × 9 18000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या आएगा बच्चों, एक तो आएगा बेसिक पे, आपको दिया है 6000 रुपए, 6000 रुपए 9 महीने के हिसाब से कितना आएगा, 54000 प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट, अब डीए का फॉर्मिंग पार्ट निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया है, डीए ऑलरेडी फॉर्मिंग पार्ट ही दिया है, ये देखो 2000 रुपए महीना, तो 9 महीनों का चाहिए, तो 18000 रुपए बोलो। सो बेसिकली हमें सब कुछ 9 और 3 महीने में बांटना है। इसके बाद आ गया हमारा कमीशन, कमीशन भी दिया हुआ है क्या, जी हाँ दिया हुआ है, 2% ऑफ टर्नओवर। अब टर्नओवर दिए पूरे साल की 4.5 लाख, तो ये कमीशन जो आएगी 9000 रुपए, 4.5 लाख का 2% कितना आया, 9000 रुपए, ये भी तो पूरे साल की आएगी। क्या हमें उस 9000 रुपए को 9 महीने और 3 महीने में डिवाइड नहीं कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। तो 9000 × 9/12, ये आ गया 6750, और इसी तरीके से मैं यहां पे बेसिक पे निकालूंगा बच्चों, जब मैं यहां बेसिक पे निकालूंगा इस 3 महीने के लिए, तो 6000 × 3 18000 हो गया। इसके अलावा डीए का फॉर्मिंग पार्ट चाहिए, तो वो हो जाएगा क्या, 2000 × 3 6000 रुपए हो गया, और कमीशन जो होएगा वो कितना आएगा, 9000, 9 महीने के लिए तो 6750 होता है, तो 3 महीने के लिए कितना होगा,
यार है 2250, टोटल कितना हो गया ये 2426250, और ये कितना हो गया 7278750। बच्चों ये हम लोगों ने निकाल दिए, सैलरीज चाहिए होती है ना, अब इसका 10% हमें करना है, तो 7875 ये आ गया 10125। यहां पे बात करें तो रेंट पेड जो है वो कितना आएगा, रेंट पेड यहां पर रेंट पेड चेंज हो चुका था, रेंट पेड कितना था 4000 रुपये महीना, तो 4000 रुपये के हिसाब से 4000 × 3 12000 माइनस कर देंगे इसमें से 10% ऑफ सैलरी, और 10% ऑफ सैलरी बनेगी 2625, और ये आएगा मेरे ख्याल से 9375। अब लास्ट लिमिट रह गई, सिटी बताई होगी, नोएडा बताई है सिटी, यस और नो, नोएडा, तो नोएडा जो है नॉन मेट्रो में आती है, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर है इस वजह से हम लोग इसको मेट्रो नहीं बोल देंगे, ये नॉन मेट्रो में ही आती है। अरे मेट्रो मतलब समझ गए ना, मेट्रोपॉलिटन, हाँ ये नहीं सर क्या बात कर रहे हो, नोएडा में भी मेट्रो जाती है सर, मैं अभी तो होके आया हूँ, अरे वो मेट्रो वाली मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेट्रोपॉलिटन कैपिटल सिटीज, बिजनेस सिटीज, क्या मेरी बात समझे, बड़ी सिटीज जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। अब देखो 78750 उसका 40% कितना आएगा, 40% ऑफ 78750 31500, और इस तरफ बताओ 26250 का 40% 10500। बच्चों इन तीनों लिमिट्स में से सबसे कम अमाउंट क्या आएगा, 10125 ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और इस तरफ क्या ये बात समझ में आई, तो मेरी टोटल एग्जेम्प्शन कितनी हो जाएगी 19125, और ये माइनस कर दूंगा मैं 36000 माइनस 19125 विच इज इक्वल टू 16875। बताओ क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों, जल्दी इज दैट क्लियर एवरीवन। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। मैं अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहता हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 7, ये आप घर पे करना, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाना चाहता हूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें चेंजेस से भरा हुआ क्वेश्चन है, चेंज ही चेंज है, मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सो इसीलिए एक क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूं, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर है 8। आओ स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद एक्स वाई लिमिटेड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, ही इज एंटाइटल टू डीए एट द रेट ऑफ 100% ऑफ बेसिक सैलरी, तो डीए मिलेगा 100% ऑफ बेसिक सैलरी, ये बात क्लियर है, जिसका 50% इज इंक्लूडेड इन द सैलरी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस लैंग्वेज मींस फॉर्मिंग पार्ट, क्या मतलब है इसका, फॉर्मिंग पार्ट। सर डीए लिखा है 100% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी जितनी होगी उसी का 100% डीए हो जाएगा, ठीक है, उसका 50% फॉर्मिंग पार्ट, ओके। द कंपनी गिव्स हिम एचआरए ऑफ 6000 पर मंथ विच वॉज इंक्रीज टू 7000। नाउ यहां से इंक्रीमेंट स्टार्ट हो गया, पहला तो ये है कि एचआरए जो है वो आपका 6000 रुपए से 7000 हो गया, ठीक है जी। आगे लिख रहा है कब से हुआ ये, 1 जनवरी 2024 से हुआ, यानी 9 महीने के लिए अलग, 3 महीने के लिए अलग, बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ही ऑल्सो गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1000 पर मंथ इन हिज बेसिक सैलरी विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। बेसिक सैलरी में भी चेंजेस आ गए, 1000 रुपए की इंक्रीमेंट आ गई। तो भाई पहले एक बात बताओ, आप जब जॉब ज्वाइन कर चुके थे तब तो आपकी सैलरी 10000 थी, ये तो लिखा है ना कि बेसिक सैलरी आपकी 10000 थी उस वक्त, अब आपको इंक्रीमेंट मिली है 1 फरवरी 2024 को 1000 और, तो इसका मतलब 11000 हो गई, मतलब देयर इज अनदर चेंज। रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 इज एज अंडर, अप्रैल और मई मंथ में रेंट ही नहीं दिया, जीरो, क्यों, क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ रहता था। जून से लेकर अक्टूबर, यानी जून से लेकर अक्टूबर, क्या मैं अप्रैल में 2 महीने बोल सकता हूं,
क्या जून से अक्टूबर को 5 महीने बोल सकता हूं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने, और 5 महीने ही ये बनेंगे। सो कह रहा है 5 महीने रेंट रहा 6,000 गाजियाबाद में, मैं था वहां पर, और नवंबर से लेके मार्च ये 5 महीने में 8,000 रुपये रेंट रहा, मैं दिल्ली में आया था। आपको इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि आपको पापा सैलरी निकालने हैं। क्या निकालने हैं? पापा सैलरी निकालने हैं। और पापा सैलरी का मतलब है कि भैया आपको जैसे डीए लेते हो तो डीए का फॉर्मिंग भी लेना होगा, नॉट फॉर्मिंग भी लेना होगा, कमीशन में दोनों ही लेने होंगे, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सेग्रीगेशन पापा सैलरी के फॉर्मेट में नहीं बताया, वो सिर्फ एचआरए की एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए। सो आपको इस क्वेश्चन में ग्रॉस सैलरी निकालनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सो राइट डाउन, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर मोहित, कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हैं हम? फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। बच्चों असेसमेंट ईयर 2024-25 आपके पास यहां पे ग्रॉस सैलरी निकालनी है, ठीक है? और आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है आओ जरा चेक करते हैं। आपको ग्रॉस सैलरी के लिए सबसे पहले तो दिया है बेसिक सैलरी, तो बेसिक पे लिखेंगे हम लोग, बोलो हाँ या ना। कितना दिया है बेसिक पे? 10,000 रुपये। बट क्या 2024-25 असेसमेंट ईयर में 10,000 रुपये बेसिक पे मिला है? असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा? 2023-24। अब प्रीवियस ईयर 2023-24 में चेक करो, क्या 10,000 रुपये महीना ही मिला है? नहीं बच्चों, 1 फरवरी 2024 से आपकी बेसिक पे में चेंज आया है, 1,000 रुपए का चेंज आया है, यस और नो? सो आपका बेसिक पे 10,000 रहेगा 10 महीने के लिए, यानी 1,00,000 रुपए, और फिर वो 10,000 का 11,000 हो गया कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया 22,000। तो मेरी बेसिक पे हो गई बच्चों 1,22,000। बेसिक पे कितनी हो गई? 1,22,000। इसी तरीके से मैं अब ऐड करने वाला हूं डियरनेस अलाउंस। क्या ऐड करने वाला हूं? डियरनेस अलाउंस यानी डीए। अब डीए ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 100% ऑफ द बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी जो होगी उसी का 100% कर दो, वो डीए है, तो 100% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी दी हुई है, अरे निकाल तो ली 1,22,000। सो भाई 1,22,000 का 100% इज डीए, तो कितना आया? 122। सर सर एक बात बताओ सर, सर इसमें तो आपने बोला 50% फॉर्मिंग पार्ट है, तो सर 50% फॉर्मिंग पार्ट करो ना सर, ये क्या हो गया, ये तो गलत कर रहे हो आप। बेटे हम पापा सैलरी निकाल रहे हैं, बेटे क्या निकाल रहे हैं? हम पापा सैलरी निकाल रहे हैं, और पापा सैलरी की कैलकुलेशन करते वक्त हमें डीए का फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग नहीं देखना होता। कुछ याद आया? नहीं देखना होता, तो इसलिए कुछ नहीं करेंगे। आगे आ जाओ, एचआरए रिसीव्ड। बच्चों एचआरए रिसीव्ड कितना दिया हुआ है? एचआरए रिसीव्ड दिया हुआ है सर 6,000 रुपए महीना। ओके वेरी गुड, 6,000 रुपए महीना दिया है, बट क्या 6,000 ही है पूरा साल? नहीं, 1 जनवरी से 7,000 हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 6,000 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 7,000 मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ या ना? तो ये हो गया 6,954 और 21, 75,000 का आपको एचआरए रिसीव हुआ, जिसमें से माइनस करेंगे कि कितने अमाउंट की एग्जेम्पशन मिली अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A। अब एग्जेम्प्ट फाइंड आउट करना है, एग्जेम्प्ट माइनस करना है, इसमें से एग्जेम्प्ट माइनस करने के लिए हमें वर्किंग नोट चाहिए होगा, हाँ या ना? उस वर्किंग नोट से मैं एग्जेम्प्शन फाइंड आउट कर लूंगा बच्चों, और मेरा एग्जेम्प्ट आ गया तो यहां पर टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा, क्योंकि वो माइनस करते ही टैक्सेबल अच्छा रहा आ जाएगा, और ये जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो मेरी आ जाएगी ग्रॉस सैलरी जो मुझे चाहिए, क्योंकि और तो कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है नहीं। तो ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। नाउ अब हमें चाहिए तो मेन क्या चाहिए? वर्किंग नोट चाहिए। सर सर वर्किंग नोट की सॉल्यूशन कर दो सर, ये लो जी, ये लो जी, ये लो वर्किंग नोट। मिनिमम ऑफ फॉलोइंग थ्री लिमिट्स
इज एग्जेम्प्ट, तीन लिमिट्स में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बताओ कौन कौन सी तीन लिमिट्स, एक्चुअल एचआर रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 40% ऑफ सैलरी अगर नॉन मेट्रो सिटी है, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल सही बात है सर, तो बात खत्म। अच्छा इसके अंदर ना एक बात का ध्यान रखना है आपको। सर क्या? सर ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस बहुत सारे हैं। हाँ सर, हाँ चेंजेस तो बहुत सारे हैं। तो क्या करते हैं, जब भी कभी ऐसी कन्फ्यूजन आ जाए ना कि चेंजेस बहुत सारे हैं और वो बन नहीं पा रहे, तो आप थोड़ा सा स्पेस रफ वर्क के लिए बना के रखो। रफ वर्क के अंदर क्या करो, कुछ इस तरीके से टाइमलाइन बना लो। क्या बना लो? टाइमलाइन 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024। इसमें आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, आओ जरा दिखाता हूं। 1 जनवरी को आपका एचआरए चेंज हुआ, 1 जनवरी को एचआरए चेंज हुआ, ये है 1 जनवरी मान लेता हूं, 1 जनवरी 2024। यहां तक एचआरए कितना था? 6000। और यहां पर जाके एचआरए कितना हो गया? 7000। बोलो एचआरए में समझ में आया? अब इस तरीके से मुझे और भी देखना है, तो बेसिक पे में भी इंक्रीमेंट आई है, वो 1 फेब से आई है, तो 1 फेब से बेसिक पे में इंक्रीमेंट आई है, तो 1 फेब मैं ये मार्क कर देता हूं, 1st of Feb है। अब 1st of Feb 2024 को बेसिक पे में चेंजेस आए, तो इस डेट से लेकर इस डेट तक बेसिक पे जो रहा है वो क्या रहा है? 10000 रुपए रहा है। बट ठीक है, बट इस डेट से बेसिक पे क्या हो गया, चेंज हो गया, कितना हो गया? 11000 हो गया, 1000 रुपए की इंक्रीमेंट हुई थी, हाँ या ना? हो गया हमारा बेसिक पे। बट अभी एक चेंज और है जो बहुत बड़ा है, वो है कि रेंट 2 महीने निल था, तो अगर 2 महीने निल था तो अप्रैल और मई, क्या मैं कह सकता हूं, मैं बात कर रहा हूं 31 मई की, तो रेंट क्या था? 0। फिर इसके बाद 31 मई के बाद कब तक? अक्टूबर मंथ तक मैं कह सकता हूं, 31 अक्टूबर तक आपका रेंट कितना हो गया था? यहां पर रेंट हो गया था 6000 महीना। और इस पीरियड में से लेकर इस डेट तक आपका रेंट कितना हो गया? 8000 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? अब जरा जरा ध्यान से देखो, जो मैंने डॉट्स लगाए हैं बीच में, ठीक है, वो कितने चेंज बनते हैं, आओ जरा देखें। पहला चेंज आपको दिख रहा होगा, फिर इसके बाद दूसरा चेंज दिख रहा है आपको ये पीरियड, फिर आपको तीसरा चेंज दिख रहा है आपको ये, फिर आपको ये चौथा चेंज दिख रहा है, फिर आपको ये पांचवा चेंज दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आई? सो बेसिकली देयर आर 5 चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। कितने चेंजेस है? 5। अब मैं कैलकुलेशन करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, आओ जरा देखते हैं। सो तीन लिमिट्स में पहली ये हो गया, दूसरा चेंज ये हो गया, तीसरा चेंज ये हो गया, चौथा चेंज और ये हो गया पांचवा चेंज। सो पहला तो था 1st of April 23 से लेकर 31st of May 23 तक, फिर 1st of June 23 से लेकर 31st of October 23 तक, फिर 1st of November से लेकर 1st of November से लेकर 1st of January तक 24, फिर 1st of January से लेकर 1st of Feb 2024, फिर 1st of Feb 2024 से लेकर 31st March। क्या मेरी बात समझ में आई? यही आपके 5 चेंजेस बन रहे हैं बच्चों, चेक कर सकते हो आप। ये देखो 1, 2, 3, 4 और फिर 5, तो ये 5 मैंने यहां लिख दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपका काम और भी आसान है। अब तो आपको सर, आपको बस ये कैलकुलेशन करनी है कितने कितने महीनों के हिसाब से। ये 2 महीने हैं, ये 5 महीने हैं बच्चों, ये 2 महीने हैं, ये 1 ही महीना है और ये आपके शायद 2 महीने हैं, टोटल करेंगे तो 12 महीने बनने चाहिए, आप चेक कर सकते हो। पहली लिमिट है हमारी एक्चुअल एचआरए रिसीव और मैं देख रहा हूँ मेरे एक्चुअल एचआरए यहाँ पर अगर देखूँ तो मेरा एचआरए सिर्फ सीधा जाके 1 जनवरी को चेंज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर एचआरए कितना रहेगा? 6000 रुपये, तो 6000 × 2 = 12000। यहाँ पर बताओ 6000 × 5 = 30000। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर भी एचआरए में कोई चेंज नहीं आया, तो 6000 × 2 = 12000। अच्छा इधर चेंज हो गया, एचआरए 6 की जगह 7 हो गया,
तो यहाँ पर एक ही महीने का निकालना तो 7,000 ही आएगा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे दो महीने का निकालना तो 7,000 × 2 14,000 आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब रेंट पेड बताओ, रेंट पेड यहां पर जीरो ही तो होगा। कैसे सर? जीरो, रेंट पेड जीरो है, माइनस 10% ऑफ सैलरी तो माइनस में जाएगा, माइनस को भी नेगेटिव, बाद में जीरो ही तो करना है अल्टीमेटली, तो जीरो ही लिख देते हैं सीधा। यहां पे बताओ, यहां पे रेंट पेड कितना है? 6,000 रुपए, तो 6,000 × 5 30,000 रुपए माइनस। अभी अब सैलरी चाहिए होगी हमें, चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी, सैलरी चाहिए होगी, तो हम इसको भी क्या सैलरी को भी एक साथ कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। सैलरी का फॉर्मूला यहां पे लिख लो, क्या क्या आएगा? बेसिक पे आएगा, और क्या चाहिए? डीए का फॉर्मिंग पार्ट चाहिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कमीशन तो दिया नहीं हुआ, आप चेक कर सकते हो। बेसिक पे आपको दिया हुआ है 10,000 रुपये महीना, तो ये तो हो गया दो महीने के हिसाब से 20,000 रुपये। और डीए का फॉर्मिंग पार्ट निकालने के लिए डीए पहले तो 20,000 रुपये का 20,000 डीए हो जाएगा, उसका 50% फॉर्मिंग पार्ट है तो 10,000 हो गया, बोलो, तो ये तो हो गया 30,000। यहां पे बताओ पांच महीने में बेसिक पे कितना होगा? बेसिक पे कितना होगा? बेसिक पे यहां पे आएगा 10,000 × 5 50,000, और बाकी 25% वो 50% कितना हो जाएगा? 25,000, तो ये हो गया 75,000। इसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हो, 1 नवंबर से 1 जनवरी के लिए, तो 1 नवंबर से 1 जनवरी के लिए बेसिक पे कितना है? 10,000 × 2 यानी 20,000, और दो महीने के लिए यहां पर 50% क्या आएगा? 10,000 आएगा, तो बताओ टोटल कितना हो गया? ये 30,000 रुपये हो गया। फिर इसके बाद यहां पर एक महीने के लिए जब हम निकाल रहे होंगे सैलरी 1 जनवरी से 1 फेब, तो बताओ एक महीने के लिए यहां पर क्या आएगी सैलरी में? बेसिक पे क्या आएगा एक महीने का? बेसिक पे एक महीने का क्या आएगा? यहां पर 1 जनवरी से चेंजेस आए थे क्या बेसिक पे में? नहीं, 1 फेब से आए थे ना, तो इसलिए यहां पर भी अभी 10,000 ही तो रहेगा, तो 10,000 एक महीने का, 10,000 और ये 5,000, तो टोटल हो गया 15,000। और यहां पर बात करो दो महीने का, तो यहां 11 × 2 22,000 रुपये हो गया, और 22,000 का 50% के हिसाब से ये 11,000 हो गया, तो ये हो गया टोटल 33,000। लो जी, तो ये हमारे सामने, मैंने सबकी सैलरी फाइंड आउट कर दी है। अब आपको क्या करना है? 10% करना है इसका 7,500, तो ये आ गया 22,500। अच्छा, इसका बताओ क्या होगा? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड कितना है? रेंट पेड कितना है इस वाले केस में? रेंट पेड कितना है? रेंट तो मेरे ख्याल से 6,000 हो गया था, तो 6,000 × 2 नहीं, अच्छा यहाँ पे रेंट चेंज हो गया था, नवंबर मंथ से रेंट चेंज हो गया था, ये नवंबर ही है, तो नवंबर मंथ में रेंट हो गया था 8,000 के हिसाब से, तो 8,000 × 2 16,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी जो कि होगा 3,000, और यहाँ बनेगा 13,000 रुपये। यहाँ पर भी रेंट 8,000 ही रहा, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1500 माइनस 1500। सेकेंड, यहां पर 8,000 × 2 16,000 माइनस 3,300, बताओ ये हो गया, ये आ गया 6,500, ये आ गया 12,700। और थर्ड लिमिट पे आ गए अब हम, थर्ड लिमिट यहां पे निकालो या ना निकालो, आंसर नील ही रहना है, फिर भी निकालना तो पड़ेगा ही। तो आपको क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है कि इस टाइम पर आप कहां पे थे? पेरेंट्स के पास थे ना, तो आप 50% एज्यूम कर सकते हो, तो यहां पे 15,000 आ जाएगा। और यहां पर बताओ, यहाँ पे अकोमोडेशन कहाँ था? गाजियाबाद में था, तो गाजियाबाद तो नॉन मेट्रो है, तो 75,000 का 40% करेंगे, 75,000 का 40% करेंगे, जो आएगा 30,000। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ पे सर, यहाँ पर तो आप वो दिल्ली में आ गया, तो दिल्ली में आ गया तो 30,000 का 50% 15,000। यहाँ बताओ, यहाँ पे भी दिल्ली में ही है, 7,500 हो गया, बताओ यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आधा हो जाए, ऑब्वियसली दिल्ली में ही है, तो ये भी हो जाएगा 16,500। अब बताओ विच एवर इज लेस करना है, सबसे पहले विच एवर इज लेस, ये हो गया नील, यहां पे विच एवर इज लेस 22,500, विच एवर इज लेस 12,000, विच एवर इज लेस 6,500, विच एवर इज लेस 12,700। क्या ये बात समझ में आती है? अब विच एवर इज लेस वालों को सबको टोटल कर दो, तो 22,500 प्लस 12,000 प्लस 6,500 प्लस 12,700, ये आ रहा है बच्चों 53,700 मेरा टोटल एग्जेम्प्ट आ रहा है, 53,700 मेरा एग्जेम्प्ट आ गया है, मैं इसमें से माइनस कर दूंगा और मेरा ये आ जाएगा 21,300।
बच्चों ये आ गया। अब ये आने के बाद मुझे ग्रॉस सैलरी निकालनी है। सो ये हो गया 122 प्लस 21,300, तो ये हो गया 265,300। क्या मेरी बात समझ में आती है दोस्तों? ये हो गई मेरी ग्रॉस सैलरी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से हमें ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करनी है। आसान है ना? थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, बट मुश्किल नहीं है। बोलो हाँ या ना। चलो तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। इसके अलावा आप लोग इसी को प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक होमवर्क दिया है, वो आप करके आना, ठीक है? नेक्स्ट एक और अलाउंस है, छोटा सा ही अलाउंस है, चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में भी, क्लोज करते हैं इस टॉपिक को भी। आओ बच्चों राइट डाउन न्यू टॉपिक, इसका नाम है एंटरटेनमेंट अलाउंस। मैं भावनाओं में बह गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस बच्चों सेक्शन है 16 क्लॉज 2। सर आपने तो बोला था अगर कोई अलाउंस है उसमें कोई एग्जेम्पशन होगी तो सेक्शन 10 में आएगा, तो इसका मतलब है ये एग्जेम्प्ट नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल तूने सही बोला, ये अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ क्या पूरा ही अमाउंट टैक्सेबल होगा, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा ही टैक्सेबल होगा। सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो भी अमाउंट मिलता है वो फुली टैक्सेबल होता है। सर ये मिलता किस लिए? बेटा कंपनी अपने एम्प्लॉई को एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स देती है। अब सर ये कौन से एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं? ये ऑफिशियल एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे ऑफिस में कई बार पार्टीज होती हैं या ऑफिस के अंदर कोई एंटरटेनमेंट करना होता है, कोई एंटरटेनमेंट एक्टिविटी, तो वो एक्टिविटी के लिए कंपनी अपने एम्प्लॉई को पहले से ही पैसा दे के रखती है। तो एंटरटेनमेंट के लिए हर महीने के महीने पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करती है। कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ कंपनीज नहीं देती हैं। तो कंपनी अगर आपको ये अमाउंट दे ऑफिशियल खर्चों के लिए, तो ऐसे केस में वो अमाउंट क्या हो जाएगा? आपका फुली टैक्सेबल हो जाएगा। सो राइट डाउन अंडर दिस, इट इज अ फिक्स्ड पेमेंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई for meeting official entertainment expenditure. ठीक है, इट इज अ फिक्स्ड पेमेंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर मीटिंग ऑफिशियल एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज फुली टैक्सेबल। ठीक है, अब जरा ध्यान से एक बारी मेरे साथ उस नोट्स को निकाल लो जो मैंने आपको सैलरी का पापा सैलरी वाला फॉर्मेट दिखाया था। एक बारी सब लोग निकाल लो उसको। क्या आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस यहां नजर आ रहा है? जी हां सर, ये रहा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या आपको नीचे भी एंटरटेनमेंट अलाउंस नजर आ रहा है? सर हां जी सर, ये रहा एंटरटेनमेंट अलाउंस। सर ये क्या चक्कर है? सर दो जगह एंटरटेनमेंट अलाउंस। बेटा क्या आपको ये दिख रहा है कि ये पहले ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है? जी हां सर, पहले प्लस ही हो रहा है सर, सारे प्लस ही तो हो रहे हैं। अब ये वाला जो अमाउंट है नीचे माइनस हो रहा है, ये किस में आ रहा है? डिडक्शन में आ रहा है। हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? डिडक्शन का ही तो पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है आपकी सैलरी इनकम निकालने के लिए ये इनकम में से ये अमाउंट माइनस करना होगा। सर फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले ऊपर टैक्सेबल कर रहे हो, नीचे इसमें डिडक्शन दे रहे हो, समझ में नहीं आया? बेटा देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन है वो हर एक को नहीं मिलती, उसके बारे में बताऊंगा। बट द प्रॉब्लम इज कि पहले ये समझ लो कि एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। क्या ये बात समझ में आई? अब आपको ये समझने की जरूरत है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस पे डिडक्शन भी मिलती है। राइट डाउन, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर एलिजिबल टू अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 2।
बच्चों गवर्नमेंट इंप्लॉइज को मैंने स्पेसिफिकली नाम लिया है गवर्नमेंट इंप्लॉइज का, इसका मतलब है नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉइज को क्या ये डिडक्शन मिलती होगी? नहीं मिलती होगी, सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉइज को ही मिलती होगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, ऊपर मैंने टैक्सेबल लिखवा दिया था, चाहे गवर्नमेंट इंप्लॉई हो चाहे प्राइवेट इंप्लॉई हो, ऊपर जब टैक्सेबल लिखवा दिया इसका मतलब क्या है कि पहले तो जो आप लोग वो प्लस कर रहे होते हो तो सारा टैक्सेबल कर देना है, नीचे जब हमें डिडक्शन निकालनी होगी तो उसमें से माइनस करना है, और वो सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉइज का ही अमाउंट माइनस होगा, प्राइवेट इंप्लॉइज का कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं माइनस होगा। समझ गए बात? डिडक्शन मिलेगी कितनी, राइट डाउन, मिनिमम ऑफ फॉलोइंग थ्री लिमिट्स शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। फर्स्ट लिमिट एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड सेकेंड लिमिट 20% ऑफ बेसिक पे थर्ड लिमिट ₹5,000 पर एनम। तो भाई मैक्सिमम आपको एग्जेम्पशन, मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितनी मिल रही है? ₹5,000 साल की, मैक्सिमम साल की ₹5,000। कह रहा है इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उतने अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी, और किसको मिलेगी? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगी। क्या ये बात होती है क्लियर? जी हाँ सर, तीन लिमिट्स होंगी, तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा उस अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, जैसे हम लोगों ने वहां फाइंड आउट किया। हाँ, वहां एग्जेम्पशन फाइंड आउट की, यहां डिडक्शन निकाल रहे हैं। सर एक और सवाल आ गया सर, मैंने कहा बेटा क्या सर एग्जेम्पशन और डिडक्शन में क्या फर्क होता है? बेटा देखो ऐसा होता है, एग्जेम्पशन वो इनकम, इनकम का वो हिस्सा है जिस पे टैक्स ही नहीं लगता, वो होती है एग्जेम्प्ट, इनकम का वो हिस्सा जिस पे टैक्स नहीं लगता। डिडक्शन पहले पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाती है फिर उसमें से माइनस होती है, सो देयर इज अ डिफरेंस। डिडक्शन इनकम, डिडक्शन इनकम में से होती है बट वो डिडक्शन टैक्सेबल इनकम में से होती है, टैक्सेबल इनकम में से, और जो एग्जेम्प्ट होता है वो इनकम में से ही एग्जेम्प्ट हो जाता है। मतलब अगर मैं आपको पापा सैलरी का फॉर्मेट दिखाऊं तो एक बारी ये जो आप यहां पर नोटिस कर रहे हो ना, दीज ऑल आर टैक्सेबल, ये सब टैक्सेबल है, ये सब टैक्सेबल है। क्या ये बात समझ में आई? अब ग्रॉस सैलरी आने के बाद, जो ग्रॉस सैलरी आई उसके बाद आपने डिडक्शन माइनस करी, आपने चेक किया, आपने जो एग्जेम्पशन माइनस करनी होगी ना, जैसे एचआरए है, एचआरए हम लोग जो एग्जेम्पशन फाइंड आउट कर रहे थे, एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा इधर, टैक्सेबल एचआरए आएगा वहां पे। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर टैक्सेबल, टैक्सेबल आने के बाद टैक्सेबल इनकम में से डिडक्शन मिलनी है ये वाली, जबकि एग्जेम्पशन जो होती है वो इनकम में से माइनस होती है, माइनस होने के बाद जो बचेगा वो टैक्सेबल होता है। तो ये एक डिफरेंस है एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस में। ठीक है, सो आ जाओ दोस्तों, एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए। यस सर, हो जाए सर। क्वेश्चन नंबर है 9। एक्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ₹40,000 की उसकी बेसिक पे है, इन एडिशन ही रिसीव्स 8,500 एज एंटरटेनमेंट अलाउंस, हिज एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट फॉर ऑफिशियल पर्पस हाउएवर एक्सीड्स 9,000, कैन ही क्लेम डिडक्शन ऑफ अमाउंट एक्चुअल स्पेंड बाय हिम ऑन एंटरटेनमेंट? नहीं, ऐसा नहीं होता सर, मैक्सिमम डिडक्शन है, डिडक्शन की लिमिट है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कुछ भी ले लोगे। मिनिमम ऑफ फॉलोइंग थ्री लिमिट्स इज अलाउड एज डिडक्शन। बताओ वो तीन लिमिट्स, पहली लिमिट एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव कितना है? 8,500। सेकेंड लिमिट बताओ सर, 20% ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे कितनी है? ₹40,000 साल की, तो 20% कितनी हो गई? ₹8,000। बोलो हाँ या ना। थर्ड लिमिट तो फिक्स है बच्चों, कितनी? ₹5,000। मैंने बोला मिनिमम ऑफ फॉलोइंग थ्री, इसका मतलब है मिनिमम क्या हुआ? ₹5,000। बोलो हाँ या ना। सो एज पर सेक्शन 16(3), एज पर सेक्शन 16(2), सॉरी, मिस्टर एक्स इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन
ऑफ रुपीज 5000। तो जितना मर्जी आपका खर्चा हो, खर्चों से तो लेना देना ही नहीं है ना इसका, आपको डिडक्शन जो मिलेगी वो तीनों लिमिट में से सबसे कम जो अमाउंट होगा वो उसी की मिलेगी, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। क्या ये बात क्लियर होती है? इज दैट क्लियर? तो आपको एक होमवर्क में एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिए होमवर्क में दो, एक 7 और एक 10, ठीक है? अगली क्लास में पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी? थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।